हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को एक मीठी डिश जिसका नाम पुआ है बताने जा रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा और इसे शाम के रास्ते में कभी भी किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पुआ। पुआ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3/4 कप चीनी, 2 बड़ा चम्मच सूजी, 1 छोटी चम्मच सौंफ और थोड़ी सी किशमिश और 3/4 कप पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब ये हमारा पुए का बैटर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए बैटर बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद अपना पुआ हम फ्राई करेंगे। अब ये हमारा पुए का बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो चलिए अब अपने पुए को फ्राई करेंगे। तो मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल याद रखेंगे बहुत ज्यादा लेंगे क्योंकि पुआ हमारा डीप फ्राई होगा, और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे हमारे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब तो चलिए पुआ फ्राई करना शुरू करें। इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए बैटर बहुत ही अच्छे तरह से रेडी था हमारा। देखिए हमारा पुआ फूल रहा है। ये अभी हमारा पुआ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए देखिए तो हमारा ये पुआ बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरह से अपने हम सारे पुआ को फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा पुआ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए।